प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि इसको पेट्रोलियम से मस्नूई तरीके से तैयार किया जाता है और इसके अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं कि इसको बाकी तमाम शोबाजात में भी बहुत सारे में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग, पैकेजिंग और इस तरह के और भी कई चंद। हर साल 30 करोड़ टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक बनाया जाता है, जिसमें से आधे से भी ज़्यादा सिर्फ सिंगल यूज़ आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि शॉपिंग बैग्स, कप्स और स्ट्रॉस। अगर प्लास्टिक को प्रॉपरली डिस्कार्ड ना किया जाए तो ये कुदरती माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। समंदरी डबरी में तकरीबन 80% तक प्लास्टिक शामिल होता है, जो कि सतह समंदर से लेकर गहराई तक पाया जा सकता है। समंदर में शामिल होने वाली इस प्लास्टिक पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज इल्लीगल डंपिंग, अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और मिसमैनेज्ड वेस्ट हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, जो कि ना सिर्फ समंदरी हयात और बाकी आबी हयात के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। इसकी वजह से इंसानों में ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया में कोस्टल टूरिज्म का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, समंदर की एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं और बहुत सारे बाकी भी मसाइल जन्म ले रहे हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन के समंदरी हयात पर सबसे प्रोमिनेंट असरात में से इंजेशन और सफोकेशन है। समंदरी जंगली हयात जैसे कि सी बर्ड्स, वेल्स, फिशेस और टर्टल्स अक्सर औकात प्लास्टिक की गंदगी को शिकार समझकर खा लेते हैं, तो या तो वो फौरन दम तोड़ जाते हैं या वो इन्फेक्शन डेवलप कर लेते हैं या और किसी किस्म की बीमारी को जन्म दे देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। Microplastics have been found in tap water and salt and are available in the samples collected from all the oceans in the world, including Arctic. Plastic को जिन chemicals से बनाया जाता है उन्हें carcinogens कहते हैं। ये chemicals इंसानी जिस्म में जाकर इसके साथ react करते हैं और endocrine system, immune system, digestive system, reproductive system के disorders पैदा करते हैं। जो प्लास्टिक डिब्री ओशन सरफेस पर मौजूद होती है वो यूवी रे से एक्सपोज होने के बाद टॉक्सिक कंटेमिनेंट्स पैदा कर लेती है, जिसे बाद में आबी हयात खाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और यही आबी हयात बाद में फूड चेन का हिस्सा बनती हैं, जिसके साथ साथ ये कंटेमिनेंट्स भी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें बाद में जंगली हयात या इंसान खाकर बीमारियाँ पैदा कर लेते हैं। प्लास्टिक वेस्ट किसी भी जगह की एस्थेटिक सेंस ख़त्म कर देते हैं और वहाँ खूबसूरती नहीं रहती, जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिस्ट आना पसंद नहीं करते और रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो जाती है। और ना सिर्फ ये बल्कि उस गंदगी को साफ करने में हुकूमत के अखराजात भी बढ़ जाते हैं, जो कि इकॉनमी पर भी टॉल लेते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन के जहाँ बाकी नुकसान तो हैं ही, वहीं पर ये माहौलियाती आलूदगी में भी अपना किरदार अदा करती है। प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस रिलीज होती है, जो कि एटमोसफेयर में जाकर इसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। So these were all the problems. What will be the solution? What can be done to reduce plastic pollution? इसकी खातिर international level पर policies बनाई जा सकती हैं, rules बनाए जा सकते हैं, जो कि हर मुल्क को assign किए जा सकते हैं, ताकि वो अपने अपना pollution कम करें, waste कम करें और इसकी management बेहतर करें। और ना सिर्फ international level पर बल्कि local level पर भी हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी policies को strong करें और awareness पैदा की जाए, ताकि लोग इस pollution को reduce करें और इसके असरात कम से कम हों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इज द 1972 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मरीन लाइफ बट डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर, द लंडन कन्वेंशन। Another important thing that can be done is that local and international authorities can provide enough funds to the researchers so that they can create more sustainable material of plastic and also create more ways to reduce the already existing plastic pollution.